हमारे हमारे बीच में उदयपुर से पधारे हमारे भाई गोविंद जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने उदयपुर से चलकर जो उनके साथ से जो महिला आइडिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद उदयपुर से चलकर हमारे बीच में आ गया, हमें इतनी अच्छी अच्छी बातों से अवगत कराया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई सर, धन्यवाद के बाद में और आप सब भी यहाँ पधारे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक जगह पंचायत बेटे कटे भी गांव में हरे आपको बात करेंगे, हमारे संगठन क्या करेगा काम करते हैं, ठीक है। लीडरशिप जो आगे बात होगा तो अभी जो चुनाव होगा मणि में कौन लीडरशिप में आना चाहिए और नाम लिखाओ तुरंत। आपकी पंचायत में मतलब बड़ा आपसे सहयोग कर लो कि भाई यो हो तो हमारा पार्टी से आना है, वो कहने जोड़ना जैसे भी अपन देखे रोड पंचायत रोड़ा में देखो रोड़ा में कुछ नाम बताओ रोड़ा में देखो आप ये हम ये BSW योजना और जैसे सरकारी योजनाओं के बारे में हम सब जानकारी देते और इसके अलावा जैसे कि संगठन में जो लोग जुड़े हुए हैं उन सबको हम जैसे कि कहीं पदाधिकारी है जांच के लिए जाना वो सब हम उनको लेके जाते हैं, वो सब हमारे साथ लोग बने रहते हैं। ये देख कैलाश जी साहब जो देखते हैं काम बरवाड़ा में, बरवाड़ा जो है बरवाड़ा और चार पंचायतों की आती है, मतलब 20 पंचायतों का काम रहता है मेरे पास। कुमलगढ़ का बड़गा गोविंदा की जो पंचायत है सायरा की पंचायत है सब मिलाकर संगठन है और आगे के अमावस के इस पर्व पर बड़ी संख्या में बहने भी इस पार्टिसिपेट भाग लिया है। सरकार की जो योजना है उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा विस्तृत जानकारी दी जाती है और हमारे ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे आपने सुना होगा कि धन्यवाद प्रेस करते समय काफ़ी चीज़ें हमारे
ब्लॉक के सॉरी संभाग के पूरे महामंत्री भी है, यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष भी है और काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं। और क्योंकि ये पूरा राजस्थान जो है भौगोलिक क्षेत्र है, यहाँ पर आदिवासी जनजाति जो है वो जो है बहुत ज़्यादा है और यहाँ खेती नहीं होती है। सबसे जो बड़ा राइस रोड है वो किस प्रकार की चुनौतियाँ रहती है और कैसे हम काम करते हैं? सर हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ी चुनौतियाँ रहती हैं। हमारा क्षेत्र है, हमारी जो खेतियाँ रहे लोग या मजदूर लोग हैं वो अलग अलग दूर दराज मगल पे जाके बसे हुए हैं। ढाणियाँ छोटे छोटे बसे हुए हैं, तो क्या है यहाँ एक दूर गांव का गांव नहीं बसा हुआ है, तो जहाँ एकजुटता होती है वहाँ है तो सब काम उनको सारी जानकारियाँ होती है। लेकिन हमारे यहाँ अलग अलग नगरों बसे हुए तो उनको जानकारियाँ नहीं होती है, तो उनको समझाइश करने को सीखना है और एकजुट करने की बहुत ही आवश्यकता है। क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे भी नहीं पढ़ पाते क्योंकि बकरे ढाणियों में है, जो दूर दराज में रहते हैं वो न तो अपने बच्चों को व्यवस्थित तरीके से पढ़ा पाते हैं, तो वो ज्ञान भी नहीं है। विद्यालय भी उनको नज़दीक में उपलब्ध नहीं होता है। इस तरीके हमारा संगठन है जो 2007 से इस क्षेत्र में कार्य कर रहा है, तो धीरे 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 हमारे इन लोगों को समझाइश की है, तो धीरे धीरे हमारा संगठन का रूप भी बड़ा विकसित हो गया है। तो आज हमारे पास यहाँ संख्या करीब 5,000 की संख्या हमारे संगठन में यहाँ आज जुड़ी हुई है, तो लोगों ने अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। इससे बढ़कर हमारा संगठन आज जो मजदूर भाई हैं बहन हैं उनके बच्चे जो बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं तो उनको है जो अन्य प्रकार की ट्रेनिंग रोजगार के लिए कोई ट्रेनिंग दी जाती है, तो जैसे हमारा टाइल्स का काम कर रहा है, कोई मोबाइल रिपेयरिंग का काम कर रहा है, कोई ट्रेनिंग देकर किसी कारीगर वगैरह बनाने का सकता है रोजगार के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद इनका। तो ये ब्लॉक भरवाड़ा में आज बैठक थी, आप देखें मेरे पीछे यहाँ बहने जो है पढ़ी लिखी लड़की है चाहे साक्षर है वो महिलाएं सारी यहाँ पे सिलाई करती है। और ये आजीविका ब्यूरो संस्थान जो है हमारा, हम दोनों पार्टनर ऑर्गेनाइजर में काम करते हैं, हमारे मित्र के रूप में दोनों संस्थाएँ काम करती है और संगठन जो है दोनों साथ मिलकर मजदूरों के हित और मजदूरों के कल्याण और मजदूरों के सर्वांगीण विकास में अपनी भागीदारी निभाते हैं। हमारे साथी यहाँ पे मौजूद है, सभी वक्तव्य में आपने सुना होगा और सभी यही चाहते हैं कि मजदूरों का विकास हो, मजदूरों का विकास हो। और असंगठित क्षेत्र में उदयपुर की 30वीं सबसे बड़ी यूनियन हमारी है अरावली निर्माण मजदूर एसोसिएशन, जिसके बैनर तले हम लोग एक संगठित होकर मजदूरों के हर सुख में भागीदार होकर काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, जिंदाबाद साथियों, धन्यवाद।